शहर में व्यापारियों के साथ हो रहे लूटपाट और उनके उत्पीड़न पर रोक लगाने के उद्देश्य से शहर के व्यापारियों की एक बैठक बुधवार को कोतवाली परिसर में आयोजित की गई। बैठक के दौरान व्यापारियों ने व्यापारियों के व्यवसाय के साथ हो रहे लूटपाट और उत्पीड़न को तत्काल समाप्त किए जाने तथा शहर के सभी प्रमुख चौराहों पर जाम की समस्याओं को समाप्त किए जाने के साथ सभी प्रमुख चौराहों पर पिकेट व्यवस्था मुहैया कराने की बात कोतवाली इंस्पेक्टर धनश्याम तिवारी के समक्ष रखा। वहीं इंस्पेक्टर कोतवाली ने व्यापारियों को आश्वासन दिया है कि उनकी समस्याओं का जल्द ही निस्तारण किया जाएगा। इस मौके पर व्यापारी पुष्प दत्त जैन, संत बहादुर, रमेश चंद्र गुप्ता, अजय जायसवाल, नारायण चौरसिया सहित कई गणमान्य लोग मौजूद रहे। गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए व्यापारी नेता रमेश चंद्र गुप्ता ने कहा, उस कंपनी जाएगा वहाँ से उधर नहीं जा रहा है। खास मदीना मस्जिद से उसमें सब लोग मदीना मस्जिद है। मदीना मस्जिद मदीना मस्जिद से नहीं तो उसके लिए एक ये है कि मदीना मस्जिद की मोड़ पर एक कांसू वही वही मदीना मस्जिद 24 घंटे रहती है। कब नहीं है यहाँ वहाँ के व्यापारी चौराहे पर खड़ा होकर के जाम को न हटवाए तो जाम निश्चित रूप से वो जाम लगा रहे हैं। लगभग लगभग 6 वर्षों से कोई ट्रैफिक पुलिस की व्यवस्था वहाँ नहीं हो रही है। बार बार इस बात को कहा जा रहा है, व्यापार प्रति की बैठक में कहा गया, कोई नहीं रहता वहाँ, रोटेशन ड्यूटी लगाए, ट्रैफिक विभाग के लोगों को सूचना दिया जाए, व्यापारी खड़ा लग रहा है, एक दो व्यापारी नहीं, चार चार छह छह आप लोग यहाँ पर बैठक कर रहे हैं। देखिए, प्रदेश सरकार ने एक आदेश जारी किया है कि पूरे प्रदेश में जो अपराध का ग्राफ गिरा हुआ है, व्यापारियों की लगातार वो चिंता भी कर रही है और आज व्यापारी प्रकोष्ठ का गठन भी कर दिया गया है। सभी जनपद के थानों पर जो है बराबर निरंतर बैठक चल रही है और मासिक बैठक चल रही है। व्यापारियों की समस्याओं को सुना जा रहा है, व्यापारियों की समस्याओं को नोट करके उन्हें समाधान की ओर ले जाया जा रहा है, समाधान कराया जा रहा है। हम व्यापारी आज यहाँ एकत्र हैं सिर्फ इस नाते कि जो पिछले घटनाएं हुई थी उसका खुलासा हुआ कि नहीं, उसको समस्या का समाधान हुआ कि नहीं, उसकी जानकारी हेतु हम सारे लोग यहाँ एकत्र हैं। और इंस्पेक्टर साहब से अभी बात ही हो रही थी, पिछली घटनाओं का क्या खुलासा हुआ कि नहीं, या वहाँ फोर्स लगाया गया कि नहीं, जाम की समस्या से निजात दिलाने के लिए व्यापारी जो दिन रात अपने व्यापार करने के लिए अपनी दुकानों पर बैठे हैं वो व्यापार नहीं कर पा रहे हैं, जाम की वजह से जो है वो निरंतर परेशान है। इस नाते जो है हम लोगों ने आज सुझाव भी दिया है कि एकल मार्ग बना करके जो है उसे जो है समस्या का समाधान कराया जाए।